तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें कैलकुलेशन बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ अगर करेंगे कि मान लीजिए हमें करना है कि 12 × 11 करना है ना, तो हम करने को तो कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी भी सारी ट्रिक्स होंगी जो भी। तो ये क्या होता है कि कैलकुलेशन की जो ट्रिक होती है ना, ट्रिक कोई चीज़ नहीं होती है, ये जो ट्रिक्स हम लोग कहते हैं ट्रिक नहीं है कुछ। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा शार्प कर लिया जाता है, स्टेप्स कम कर दिए जाते हैं, वही हमारी क्या बन जाती है भाई, वही हमारे लिए ट्रिक बन जाती है। ठीक है, और उसमें कुछ नया सा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब इसी गैप, ये जो गैप होता है कि सॉल्विंग वाला, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन का बार बार इस्तेमाल करते हैं, नई नई चीज़ों पे बार बार फोकस करते हैं, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है और ज़्यादा शार्प हो, और हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकेंड्स का समय लगाएं, केवल बर्स, ठीक है ना, मिनट का भी समय ना लगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मेजर चीज़ होती है वो होती है टेबल, है ना। तो टेबल हमको कम से कम भाई 20 तक तो आना ही चाहिए हर हाल में। ठीक, और इसको 20 तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये तक, यहाँ तक सब लोग पढ़ लेते हैं, और ये जब हम लोग छोटी क्लासेस में होते हैं तब भी बताया जाता है। ठीक, लेकिन हम लोगों को आना कितने तक चाहिए, तो 25, इसके बाद भी हम चाहें तो 30 तक भी कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वन टाइम लर्न करना होता है, एक बार याद करने के बाद ये हमेशा हमारे लिए सदैव काम में आती रहती हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, और इसी के साथ बात आती है फिर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बोले तो वर्ग, ठीक है ना, वर्ग की बात आती है। वर्ग के साथ साथ जब आप वर्ग याद करेंगे, स्क्वायर याद करेंगे, तो स्क्वायर रूट अपने आप से कवर हो जाएगा, है ना। जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट तो अपने आप कवर हो जाएगा, बात वही है उसमें। इसी तरीके से जब आप क्यूब को कवर करेंगे तो आपका क्यूब रूट भी अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको स्क्वायर में ये ध्यान रखना है कि आपको 30 तक स्क्वायर लर्न हो। ठीक है, पूरी कोशिश ये करनी है कि 30 तक के स्क्वायर्स लर्न हो। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इन्हीं में से मिल जाएंगे आपको 30 तक ही। ठीक, बाकी अगर कभी कभार एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो फंस जाते हैं ऊपर के, उनके लिए हम आगे अभी बता रहे हैं, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी केवल कैलकुलेशन पे, स्क्वायर्स पे रिलेटेड ही रहेगी। केवल आज हम स्क्वायर्स पे ही चर्चा करेंगे, वो भी पूरे नहीं, है ना, वो भी पूरे नहीं, अभी केवल हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से नई नई चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, वीडियो छोटा होगा, आपको देखने में भी बोरिंग महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी। इसी के साथ अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब हमें 20 तक बिल्कुल कंफर्म याद होनी चाहिए, इसके आगे अगर आप कर पाते हैं तो द बेस्ट होता है। 30 तक याद है, लेकिन अगर आप इसके आगे कर पाते हैं तो आप और भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, 40 तक कर लीजिए, जितने भी आप 50 तक कर सकते हैं 50 तक कर लीजिए। तो इसको अगर आप 50 तक पहुंचा सकते हैं तो इसको 50 तक पहुंचा लीजिए, फिर इसको आप 30 तक पहुंचा लीजिए, ये आपके ऊपर है। बाकी बेसिक नीड्स हमारे पास इतनी ही है, 20, 30 और 20, जहाँ टेबल जो आपका वो 20 तक होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक और क्यूब 20 तक। ये किसी भी क्लास के लिए भी आगे काम आएगा, मतलब आप अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में खैर कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं होती ये सब चीज़ें, 12th के बाद जो चीज़ें होती हैं वो फोकस उस पर करना होता है हमको, कंपटीशन पे ये चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पहला हमारे पास बेटा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन जो ए है, मतलब जो हम लोग ए की बात कर रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहली बात जो की जा रही है वो यहाँ पे ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके अंत में 5 हो। ठीक है, जिनके अंत में क्या हो, 5 हो, हमें ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, और ऐसी संख्याओं के वर्ग को ज्ञात करने के लिए आज की ये ट्रिक आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इत्मीनान से और समझिएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले देखिए आपके पास ओरिजिनल वैल्यू लिखी हुई है, ये इधर ओरिजिनल वैल्यूज लिखी हुई हैं, साथ में हम साइड में आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो जैसे हमारा 15 है, 15, और अगर 15 का स्क्वायर करना है तो भाई करना ये है कि जो 5 है, जो ये 5 है, इसका स्क्वायर लिखना है हमको, तो कितना होता है 25। और यहाँ हमें केवल 2 डिजिट लिखने होते हैं, अगर तीसरा है तो उसको होल्ड कर देना है आगे में ऐड करने के लिए, आगे आएगा तो हम बताएंगे। इसके बाद ये जो 1 है, ये जो 1 है,
इसके आगे वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 के आगे 2 आता है और 1 टू जर 2 हो जाएगा, मतलब 2 एकम 2, 225 हो गया। हाँ, चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी, हो सकता है ना आई हो, ठीक है। तो अगले में कवर करेंगे हम, बात करेंगे हम 25 के स्क्वायर की। हमने कहा लास्ट में जो 5 दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, लिख लेंगे, तो भैया 5 का 5 25 ही होता है, इसमें तीन डिजिट कभी नहीं बनेंगे। इसके बाद जो अगला नंबर लिखा है वो लिखा है 2, और 2 के आगे आपका आता है 3, और 3 टूजा हो जाता है 6, और ये हो गया आपका 625। बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि हम क्या चीज़ कहना चाहते हैं, और ये आप बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा आपके लिए। अगला अगर हम बात करें 35 के स्क्वायर की, देखिए 35 का स्क्वायर, फिर से बात वही है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होता है, 5 का 25 हो गया 3, तो आगे 3 चौको 12, ठीक। अब देखिए फास्ट काम होने लगा, अभी हम लिख के बता रहे थे कि 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 लिखेंगे, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कर रहे हैं, इससे बढ़िया हम इसको मतलब ना करके हम 35 इंटू 35 कर लें, 35 इंटू 35 कर लें तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं भैया, जल्दी बिल्कुल नहीं हो, क्यों, आपसे 35 पूछा जाएगा, आप कहेंगे 5 का 25 होता है, 3 चौको 12, 12 25 आंसर, ठीक है। आपसे 45 पूछा जाएगा, 25 तो आपको कन्फर्म है, अगर लास्ट में 5 है तो 25 लास्ट का कन्फर्म है कि तो 25 आना है, 45 है तो 4 पंचे 20, 20 25, 55 है 5 छक 30, 30 25, इसके बाद 65 है तो 6 7 42, 42 25, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा बात और कर लें नेक्स्ट में, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट है हमारे पास 45, ठीक। चीज़ें इतनी आसान है कि आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए कभी भी गलत होने वाला नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये है मेजर पार्ट है ये, क्योंकि 5 सब में लगभग आता है, 5 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 का 25 हो गया बेटा, 4 के आगे वाला 20 आंसर हो गया, ठीक। देखिए ये दिया है 20 25, ठीक। ये देखिए 35 का 12 25, ये 625, ये 225। बात आती है 95 की, क्वेश्चन हमने कुछ लिख रखे हैं इसीलिए, ठीक है, कितने हमको कराने ही कराने, ये 25 9 दे हम 90 25, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। बात आती है आगे 105, तो 105 का स्क्वायर, वही काम फिर से, 25 10 के आगे वाला 11, 11 दे हम 110, तो 110 25, ठीक। सभी को बात समझ में आ गई होगी, ये था हमारा ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके अंत में क्या हो, 5 हो, जिनका लास्ट जो डिजिट हो वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब टॉपिक जो है हमारा वो अब ये है कि जिनका बेस 100 हो, क्या हो भैया 100 बेस का मतलब, बेस का मतलब ये पावर बेस वाली बात नहीं कर रहा है, बेस का मतलब जो 100 के नज़दीक की संख्याएं हो, है ना, मतलब 100 के इधर की और 100 के उधर की, वो उन संख्याओं के बारे में। देखिए हम 30 तक तो पढ़ ही लेंगे, 30 तक तो हमें याद होंगे, 30 के ऊपर की संख्याओं के बारे में उसने बात की है कि अगर हम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, या 100 के आसपास के अंकों अगर हैं तो उन 100 के आसपास के, देखिए पूरी कैलकुलेशन बताएंगे, लगभग ये क्लासेज 2 से 3 क्लासेज होंगी कैलकुलेशन बेस्ड पे, छोटी छोटी क्लासेज होंगी, ठीक है, इनको बड़ा करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, आज थोड़ा सा टॉपिक जो है वो वीडियो छोटा रहेगा, केवल 100 के आसपास के ही हम डिजिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आगे के डिजिट्स के बारे में और शायद हो सकता है क्यूब के बारे में भी चर्चा एक साथ करेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि अभी जो डिजिटल बोर्ड अभी नया लगा हुआ है और इस पर चलाने में थोड़ा सा टाइमिंग इशू होता है, और चीज़ों को अभी हम टाइप करते हैं, अभी हम लोग PPT वाला सिस्टम बन नहीं पा रहा धीरे धीरे, ठीक है, उस पर भी हम लोग, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास, हम लोगों के पास जो है थोड़ा सा प्रसाधनों की कमी है ना, जिसके चलते सारा काम हम ही लोगों को करना पड़ता है, कोई दूसरा तो होता नहीं, कैमरे के पीछे कोई नहीं होता है, हम ही लोग आगे होते हैं, हम ही लोग पीछे होते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जिनका बेस 100 हो। अब ध्यान ये देना है कि अगर हमारे पास जैसे ये है 105, है ना, और हम अगर 105 को सॉल्व करते थे भाई, तो हमने ये पढ़ा है कि इसके स्क्वायर को लिखने के लिए हम लिखते थे कि 100 + 5 का होल स्क्वायर, यही तो लिखते थे, 100 + 5 का होल स्क्वायर लिखते थे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ सभी को दिखेगा भाई, एक बार ज़रा मैं देख लूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, हाँ तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं,
तो बात हो रही थी कि अगर 105 है, क्या है भाई 105, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते थे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, जिस पे हम लोग लगाते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें से ए का स्क्वायर अगर करते थे तो 100 का स्क्वायर करते थे, प्लस 5 का स्क्वायर करते थे, फिर प्लस 2 × 100 और इंटू में 5 करते थे। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते थे, तब ये जाके हमारा मतलब 10,000 होता था, ये 25 होता था और ये हमारा हो जाता था कितना, 5 × 10 यानी 1000, है ना, तो ये जाके बन जाता था 11025, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे, ठीक। अब आप, एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये था कि हम कर लेते थे कि 105 × 105। देखिए 5 वाले की तो बात अभी हम कर चुके हैं कि अगर 5 है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 के लिए प्रोसेस हमारा क्या रहेगा वो हमने बताया अभी इससे पहले, ठीक। लेकिन ये 100 की बात कर रहे हैं कि अगर 100 से हमें करना चाहें तब भी कर सकते हैं 105 को, ठीक है, 100 के पास की बात है ये। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए और बस बने रहिए लगातार, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं, तो बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि ये 105 का करना है हमको। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उन चीज़ों पे फोकस भी करना है, ठीक। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ये एक, पहले तो 5 लास्ट वाली संख्या का वर्ग करना है भाई, तो लास्ट वाली संख्या का वर्ग करेंगे कितना होता है, सॉरी नॉट 36, ये हम 106 का बता दे रहे हैं, इधर नज़र में है तो 25, ठीक है, 5 का वर्ग हो गया हमारा 25। अब इसके बाद करना क्या है, ये 105 का कर रहे थे, 105 है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो भाई 5 ज़्यादा है, कितना हुआ 110, बस आगे 110 जोड़ दो आंसर, कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समस्या को दूर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 106, नेक्स्ट है 106 का 36। अब 106 है, कितना ज़्यादा है 100 से, 6 ज़्यादा है, ठीक है, जब 6 ज़्यादा है तो ये कितना हो गया 112, जोड़ दो 112, एक सौ बारह छत्तीस, कोई दिक्कत, देखिए 110 25 11025 और ये 11236, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी ना विश्वास हो रहा हो तो और देख लेते हैं नेक्स्ट, एक मिनट 108 भैया, 8 का 64। अब देखिए अभी एक लिख के बता रहे हैं, एक को बिना लिखे, कितना ज़्यादा 100 से, 108 है, 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 116 लिख दो, 116, ठीक है, ये देखिए 116 64। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत बेहतरीन है, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखते हैं 109। अब देखो इसको मुजबानी करना है, 109 को 9 का 81, 109 और 9 118 81, बात ओके, और ये आपके हो गए जिनका बेस 100 था, ठीक। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दबा के लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी करिए आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। चीज़ें अगर अच्छी लग रही हो, बेहतर लग रही हो तो बिल्कुल सहयोग करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बूस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये बात सभी को समझ में आ गई किस तरीके से। नेक्स्ट अभी और है बेटा, 4 अभी हमारे पास और है, उनकी भी चर्चा करेंगे, ऐसा थोड़ी है भगेंगे नहीं, है ना, ये नहीं कि हम सिंपल बता रहे हैं कठिन आपके लिए छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। बात करेंगे हम 112 की, 112 मतलब 12 का स्क्वायर करना है, ठीक है, लास्ट के हमें डिजिट की नहीं, केवल मतलब लास्ट 100 से जितना ज़्यादा हो उसका स्क्वायर करना होता है। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे एक चीज़ और, कि ये जो हमने किया 106 का मतलब हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया, तो 6 का इसलिए करें क्योंकि 100 से 6 ज़्यादा है ना, 105 से 5 था, मतलब 100 से 5 ज़्यादा था, 100 से 6 ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है, इसलिए 8 का किया था। बात करेंगे यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 12 ज़्यादा है ये 12, और 12 का स्क्वायर बेटा होता है 144, तो इसकी बात थोड़ा सा रुक के करेंगे, रुक के मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब ये 144 की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये करते हैं कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो भैया 112 था, 112 में 12 ज़्यादा है यानी ये 124 हो गया, मतलब आगे हमको 124 रखना पड़ेगा,
ठीक। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो ये होता है 144। बस अब एक को हमने यहाँ लगाया है, हमने कहा था दो डिजिट रखने हैं, तो दो हमने रख लिए 44। अब एक जो था वो होल्ड करेंगे अगले वाले में ऐड करने के लिए, तो इसको हम करते हैं तो 12 5 4 4 है ना 125 44, जो कि आपका ये आंसर हो गया। बोलो भाई कोई समस्या किसी प्रकार की किसी को है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आपके लिए समझ लीजिए एक से एक बेहतर चीज़ें लाई गई हैं। अगली बार आएगा कोई वीडियो तो कुछ और नया हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा इसी में, अगला तो आगे देखेंगे 119 का, ठीक है इसका 119 का। अब 119 सौ से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 138, ठीक है। अब 138 हमने यहाँ पे लिख लिया, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है भैया 361। कितना होता है, 361 होता है, 1 6 1 4 1 14 161, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ गया। और आप समझ रहे होंगे यहाँ से कि कितनी बेहतर तरीके से कैलकुलेशन की जा रही है, और चीज़ों को आपको समझ में चीज़ें भी आ रही होंगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है भाई, एक बार जिनको जिनको समझ में आ रहा है लाइक कर दीजिए आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है हमारे पास 123, 100 से 23 ज़्यादा, तो ये आया 146, लिख लेते हैं 146, 23 का स्क्वायर 529, 9 2 1 5 1 5 1, ठीक है 15 129, ठीक है बिल्कुल सही, बात समझ में सबको आई। नेक्स्ट और लास्ट आज का, ठीक है सभी को भाई समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला है 124 पे ध्यान देंगे भाई, 24 ज़्यादा तो हम कहेंगे 148, कितना कहेंगे 148, यानी हम 148 को यहाँ लिख लें। 24 का स्क्वायर बेटा सभी को पता है 576 होता है, 6 7 3 5 1, 15 376 बताइए, कहीं किसी को कोई समस्या है ना। तो चीज़ें ऐसे आसान होती जाती, अब क्या है कि ये चीज़ें अभी हम कैलकुलेशन बेस्ड पे कर रहे हैं, ठीक। जैसे अगर मान लो अभी हमें करना पड़े यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं जैसे हम बात करें कि 110 की करें कि 110 का स्क्वायर करना है। अब 110 का करना है, आपको पता होना चाहिए 110 और 10 मिलके 120 होता है, फटाफट आप लिख लेंगे है ना। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी 100 तो ये बन जाएगा भैया 12 100, ऐसे करके कुछ गड़बड़ हुआ, 110 और 10 120 है ना। तो मतलब इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई होगी, बोलो भाई। अब अगर हमें इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता कि 110 इंटू 110, तो हम क्या करते, तो हम इसको सॉल्व करते है ना, पहले ऐसे करते, ठीक। थोड़ा सा एक मिनट, फिर इससे मल्टीप्लाई हम कराते तो ये बनता 011, फिर इससे और कराते 011, तो ये बन जाता 001 और 2 और ये है ना, ये 12100। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई है ना, बस एक बार में हम लिख सकते हैं। जब चीज़ें हम ये कैलकुलेशन पे लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो चीज़ें और अपने आप बेहतर बनेंगे और कभी भी किसी प्रकार की हमसे गलती नहीं होगी, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई होगी, बोलो भाई, ठीक। चलिए कमेंट पे आप लोग बताइएगा सेटिस्फैक्शन आपका इसमें कैसा रहा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उन क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे और ध्यान देंगे बेटा सभी लोग। बस क्लास में लगातार जुड़े रहिए, क्लास को आप लोग ज़रूर प्यार दीजिएगा। चलिए अगला है 92। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या हो गया भाई, ठीक है ये एक्स्ट्रा है। हाँ अगला जो बेटा है ये 100 से, अभी हम अभी प्लस की बात कर रहे थे, जिस तरीके से 100 से कितना ज़्यादा है वो ऐड करते थे, अब यहाँ देखेंगे 100 से कितना कम है हम वो माइनस करेंगे। अगर ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। देखिए 92 है, बिल्कुल 92 है, ये 100 से कितना कम है भाई, 8 कम है, तो हम इसमें भी 8 कम कर लेंगे। और जब 8 कम करेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा हमारा भैया, ये 84 बन जाएगा, 84 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 84 बन जाएगा, हम इस 84 को यहाँ लिख लेंगे। अब ध्यान ये देना है, चीज़ों को समझना है, अब 100 से कितना कम था, 8 कम था, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आंसर फिक्स। बात समझ में सबको आई नहीं आई, अगला देखो आएगी 93,
100 से कितना ज़्यादा, सॉरी 100 से कितना कम, 7 कम, तो 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ जाएगा 86, लिख लो 86 भैया, 86 को कर दो फिक्स। इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। चीज़ें आसान बनेंगी और क्वेश्चन आप करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बोलो ठीक। नेक्स्ट 99, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 99, तो भैया एक कम है और एक कम है तो कितना बचेगा यहाँ पे, 98, लिख लो 98, और एक कम है, एक का स्क्वायर एक, हमें दो डिजिट लिखने हैं तो 01, 9801 हो गया। हमें दो डिजिट लिखने ही लिखने, ज़्यादा आते हैं आगे ऐड करना है, कम आते हैं जीरो बना लेना है, और कुछ नहीं, ठीक। लास्ट आपका है 86, क्या है 86, और 86 का अगर हम करेंगे तो भैया 86 जो है कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको एक मिनट का समय है, एक मिनट में आप ज़रूर कमेंट दीजिएगा हमको, ठीक है, और बताइएगा। तो चलिए, अच्छा लाइक तो चल नहीं रहा है तो कमेंट क्या आप लोग करेंगे, ठीक है, आप जब आपके पास वीडियो पहुंचे तब आप कमेंट कीजिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें, 86 जो है वो 100 से कितना है, कम है, तो 14 कम है, ठीक है, इसको बस यही अभी थोड़ी सी दिक्कत होती है बोर्ड को रन करने में, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें कम हो जाएंगी अपने आप। 14 कम है, इस 14 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7, 72 हो गया आपका। इस 72 में अब आगे वाली सीरीज में क्या जुड़ेगा, तो 14 का स्क्वायर भैया क्या होता है, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, और 15 का 225 होता है, इसी तरीके से, ठीक है, तो 196 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 196 को एक साथ ना ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे 196, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 963 और ये 7396 जो कि आपका आंसर हो गया, ठीक है, बात समझ में आई भाई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, नेक्स्ट और है अभी, ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा हम करेंगे। अगर चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो आपको भी, और हम भी आपके साथ लगातार जुड़े रहें, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक है, और इसी उमंग और उत्साह के साथ हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहें, अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके आपके पास भेजते रहें, चीज़ें और भी आसान होंगी अभी, ठीक है, और भी चीज़ें हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जो अभी हमारे बोर्ड के साथ कुछ दिक्कत चल रही है वो भी अभी धीरे धीरे सही होंगी, क्योंकि नया नया बोर्ड लगाया है, अभी इतना ज़्यादा हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं 87, थोड़ा सा फास्ट वे पे देखेंगे भाई, 87 13 कम है, 13 कम करेंगे यहाँ पे 4 और 74 हो जाएगा बेटा, 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, ऐड करेंगे तो 9657, 75 69, कोई समस्या किसी को किसी भी प्रकार से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात करेंगे 88 गाड़ी पहुंची इंडिया गेट, ठीक है, अब 88 भैया 88 कितना, तो कहेंगे आप 12 कम है 100 से, और 12 कम है 12 माइनस करेंगे 76 होगा, 12 का 144 होता है, कर लेंगे तो ये 4 4 7 7 77 44, कोई समस्या बिल्कुल कोई कहीं समस्या नहीं होगी, ठीक है। 84 देखते हैं, बात करते हैं 84 की, 84 भैया 84 बोले तो 16, ठीक है, 84 बोलेंगे तो कितना 16, और 16 ठीक है इधर माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, ठीक है 68 सही है ना, और 16 का वर्ग होता है 256, तो 6 5 10 7 70 56 भाई, ठीक है 70 56 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट आज का, और वो है 75 का स्क्वायर, तो भाई 75 का स्क्वायर ये ऑलरेडी कितना कम है, 25 कम है 100 से, 25 कम कर देंगे 50 बचेगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 25 25 6 625 होता है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 6 यानी 56 25, इस 75 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अगर 100 के आसपास के 10-20 इधर 10-20 इधर अगर आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए हमने 25 इधर कर दिया,
है ना, अगर आपको 30 तक के स्क्वायर कंफर्म हो जाएंगे, कहाँ तक के, 30 तक के, तो आप 100 माइनस 30 बोले तो 70 के स्क्वायर आराम से 70 तक कर ले जाएंगे, ठीक है, 70 तक के स्क्वायर तो आराम से कर ले जाएंगे इसी से, और इधर आप 70 तक इधर कर लेंगे और 130 तक उधर कर लेंगे, बाकी अभी हम 200 वाला बताएंगे, है ना, 200 बेस होगा जिनका, मतलब इसी तरीके से 210, 220, 225, 230, ठीक, और इसी में थोड़ी सी चीज़ें और हम जोड़ेंगे। तो आज की क्लास आज की इतनी रहेगी, क्लास आपको कैसी लगी इस बात को ज़रूर शेयर करिएगा, कहीं कोई यदि समस्या है समझने में समझाने में उस बात को भी हमको बताइएगा, ठीक है, और अच्छा बेहतर प्रयास किया जाएगा आपको समझाने का और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक लाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं इसी मंगल उत्साह के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद। फिर से कहते हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम।